दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आदेश इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। इसको जरूर एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को पूरा। वहीं आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 में स्कूलों में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल की तरफ से बकायदा आदेश जारी किया गया कि पुराने अतिथि शिक्षक 12 साल से ज्वाइन कर लेंगे और जो उसके बाद पद बचते हैं नवीन, जहां जगह खाली है वहां पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 साल से की कर ली जाएगी। लेकिन अब मामला यहाँ पर फंस चुका है, पेच फंस चुका है, क्योंकि पोर्टल में कुछ और ही बता रहा है। उसको लेकर बहुत सारे संकुल प्रचार भी यहाँ पर दुविधा में है कि करे तो करे क्या। चलिए कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। ये आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। यह है आदेश मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालांकि यह आदेश कार्यालय संकुल प्रचार शासकीय माध्यमिक लक्ष्मीबाई कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय सीहोर के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों नियम वही है एक जैसे, क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन है, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और पोर्टल पर जो शो हो रहा है उस पर इनके द्वारा क्या बयान आदेश के रूप में जारी किया गया है। 19/7/2023 यानी आज का लेटेस्ट आदेश है। 8 पन्ने यहाँ पर आपको दिखाएंगे और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल आदेश प्रति है। प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, ये हाई स्कूल का नाम डाल दिया इन्होंने, हाई स्कूल संग्रामपुर। तो जितने भी इनके संकुल के अंतर्गत स्कूलें हैं सभी को इन्होंने जारी किया है अलग अलग तरह का। जिला सीहोर के अंतर्गत ये है। यहाँ पर देखिए मैटर पूरे मध्य प्रदेश का एक है, विषय है अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ लेने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक, अतिथि शिक्षक यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 5/7/2023। यह वही आदेश है जिस आदेश के तहत 2023 और 24 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनकी प्रक्रिया 12 तारीख से और जो नवीन आवेदन लिए गए हैं उनकी प्रक्रिया 17 तारीख से ज्वाइनिंग की बताई गई थी। लेकिन मुद्दा होता है ऑफलाइन ज्वाइनिंग, तो स्कूलों पर पुराने कर लिए, नए भी कर लिए होंगे बहुत जगह, लेकिन पोर्टल पर नहीं शो कर रहा है कि इनका ज्वाइन हुआ कि नहीं, यानी ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। उस संबंध में है कि जो जा रहे हैं वो क्या करें। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा बताया गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। वही बताया हुआ है कि आज दिनांक तक अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक को ज्वाइन कराने के ऑप्शन पर ज्वाइनिंग करने पर CPI के आदेश पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग व्यवस्था स्थगित कर दी गई है का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। ये मैसेज आप भी देख सकते हैं GFMS मैनेजमेंट में जाकर के। अतः आपको लेख कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पद के विरुद्ध आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जावे। पोर्टल पर ज्वाइनिंग दिनांक से ही अतिथि शिक्षक की उपस्थिति और मानदेय मान्य होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज और स्पष्ट करेंगे, पहले आदेश यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए संकुल प्राचार्य शासकीय माध्यमिक लक्ष्मीबाई कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय सीहोर 19/7 का आदेश है। जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिलिपि के रूप में भेजा गया है। इस तरह के 7-8 है जितने भी स्कूलें हैं इनके संकुल के अंतर्गत, सभी के लिए भेजा गया है। इस तरह से ये यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है, ये यहाँ पर इसको निकाल करके अटैच किया गया है। यहाँ पर ये यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट देख सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट जो GFMS पोर्टल पर आप भी देख सकते हैं। रिपोर्ट एट ज्वाइनिंग ऑफ गेस्ट फैकल्टी इनवाइटेड बाय द SMC, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप भी अच्छे से देख सकें। यहाँ पर लिखा है CPI के आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग व्यवस्था स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर आपको स्पष्ट करेंगे कि ये कब का है, ये जो है ये दोस्तों अभी शो हो रहा है वर्तमान में, आप भी देखेंगे। लेकिन ये पिछले शैक्षणिक सत्र में जब आप काम कर रहे थे और आपको हटाया गया था उस दौरान का है, ये अभी नया नहीं है। यानी पोर्टल बाहर से अपडेट हो गया है, अंदर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि रिक्तियां अभी शो नहीं हो रही है। वहीं यहाँ पर इनके द्वारा देखिए अलग अलग जो स्कूलें हैं, माध्यमिक शाला डेडी को भी यहाँ पर भेजा गया है, सेम वही है
प्रति के रूप में, यानी सेम चीज वही है। इस तरह से तमाम इनके संकुल के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शाला असेंबली कला को भी भेजा गया है सीहोर के अंतर्गत, यहाँ पर देख सकते हैं सेम चीज जो है भेज दी गई है। तो 7-8 स्कूल हैं इनके अंतर्गत इनको भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर जो बिंदु ये बताया गया है कि ज्वाइनिंग दिनांक से ही अतिथि शिक्षक की उपस्थिति मानदेय होगी। तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए पोर्टल पर ज्वाइनिंग किसी भी तारीख को हो, अतिथि शिक्षकों का वेतन जनरेट होता है उनकी उपस्थिति पंजी के ऊपर। उपस्थिति पंजी का जब उनके द्वारा जो है पेश किया जाएगा कितने दिन यहाँ पर जो पीरियड ठीक किए जाते हैं वेतन, उसको वहाँ पर जनरेट होता है जो कि संकुल के पास पावर होता है। ये इनका कहना गलत है यहाँ पर कि जितना पोर्टल पर हम जिस तारीख को फीड करेंगे पोर्टल पर दोस्तों बैक डेट पर भी फीड होगा, क्योंकि आदेश तो 12 तारीख से लोक शिक्षण से आदेश दे रहे हैं। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वहाँ पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। अतिथि शिक्षक विद्यालय जो जा रहे हैं वह यहाँ पर 12 तारीख से जा रहे हैं, और जो यहाँ पर संकुल वाले फीड करेंगे वो 12 तारीख से भी उनका फीड हो जाएगा। बस उनको फीड करना जो है तो यहाँ चाहिए 12 तारीख से, अगर नहीं होता है तो अगर वो यहाँ पर जो आदेश है उसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि वर्तमान माह में ही ज्वाइनिंग करा के फीड करना है। हालांकि अभी समय है, इस महीने अगर ज्वाइनिंग होती है तो ऑनलाइन भी फीड इसी महीने हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं लेना है। अगर अगली तारीख पर भी फीड होता है, जुलाई लास्ट तक में भी फीड होता है, तो भी आपका वेतन उस तारीख से ही दिया जाएगा जिस तारीख से आपने विद्यालय पर सिग्नेचर किए हैं हस्ताक्षर पर, क्योंकि आपका वेतन पीरियड के अनुसार मिलता है। 100 पीरियड 9000 वर्ग एक का बनता है यहाँ पर, आप तो 100 पीरियड का यहाँ पर आपको अगर आप गए हैं तो आपका जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 पीरियड अधिकतम रहते हैं यहाँ पर, इस हिसाब से वो जनरेट करते हैं तो 12 तारीख से आपका जोड़ा जाएगा। तो ये इनका गलत है, इनकी सोच भी गलत है, आदेश भी गलत है कि जिस तारीख से ज्वाइनिंग होगा उस तारीख से वेतन जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसा नहीं है इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनका ज्वाइनिंग महीने के कभी भी होता है, और जो उनको अगर 12 महीने का उनको वेतन दिया जाए यानी फिक्स माह का वेतन दिया जाए तब उनके बारे में हो सकता है कि ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग का उनको मिलेगा। लेकिन चूंकि उनको पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता है, पीरियड के हिसाब से जब पैसा मिलता है तो उनका पीरियड जितना बना के भेजेंगे, मान लीजिए कोई स्कूल में 20 दिन काम किया अतिथि शिक्षक और इधर पीरियड वो 5 या 6 पढ़ा रहा है, तो उसके ऑलरेडी वर्ग एक का अतिथि शिक्षक का